की संख्या बढ़ गई तो हमने तय किया, पहले 16% था, 1% था, अब उनको बढ़ा करके हम लोगों को 20% और 2%, 22% हो गया, तब 50 में कितना बचा। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसको बढ़ाएंगे और 65%, तो सब किया हमारे यहां विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित किया। और इसके बाद सब हम रिपोर्ट भेज दिए और यहां पर तो एक एक तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं कि सबको इसका लाभ सब लोगों को मिल जाए। तो हम लोग तो एक एक काम करते रहते हैं ना जी। आज जितने लोगों का जो हम आर्थिक स्थिति का जो चर्चा किए, तक कितने लोग थे भारी संख्या में, अपर कास्ट भी, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सब थे। अब मुस्लिम कम्युनिटी में तो बेचारे को अनुसूचित जाति में नहीं माना है, अनुसूचित जनजाति तो यहां नहीं है। अब बाकी वो हैं जो भी हैं अपर कास्ट में है या पिछड़ा या अति पिछड़ा में, तो सबको मिला करके देख करके आर्थिक स्थिति का सबके लिए कर दिया कि प्रत्येक परिवार को जो भी है उस घर का हर परिवार को हम लोगों ने तय किया कि राज्य सरकार 2 लाख रुपया उनको देगी कि आप कोई ना कोई काम करिए। बोलिए ना, हम लोग कितना बड़ा मतलब 1.5 लाख रुपया से ज्यादा का हम लोग मदद कर रहे हैं, काम शुरू कर दिए हैं। आ केंद्र से तो हम लोग कह ना रहे कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम लोग तो तब से कह रहे हैं। कितना कितना पिछड़ापन है भाई, अभी लोग तो झूठ ही ना बोलते रहते हैं किसी को। यहां पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं, हर जात के लोग गरीब लोग हैं। तो बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, तो उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे। तो आप लोगों का समर्थन है ना जी विशेष राज्य के दर्जा का, खड़ा होकर के बोला पूरा पूरा का पूरा है। नीचे कहा बैठी है महिला सब, खड़ा होकर बोलो पक्ष में है ना एकदम। तब विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोगों का पूरा अभियान चलेगा। और आप बोलिए, हम लोग तो हर जात के लिए न कर रहे हैं जी, किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो हर तरह से काम कर रहे हैं। और मुंगेर का तो जितना महत्व है इसको हम कैसे कभी कभी भुला सकते हैं। तो एक एक चीज का जो काम हो रहा बहुत अच्छी बात है। और ये सब कुछ हुआ है, और सदर अस्पताल मुंगेर में भी 100 बेड का अस्पताल उद्घाटन भी हो गया। अब सोच लीजिए, उद्घाटन भी हो रहा है और सदर अस्पताल मुंगेर में 32 बेड का शिशु गहन चिकित्सा इकाई का भी उद्घाटन, तो बड़ी खुशी की बात है कि सब काम तो अरे हम लोगों का काम है, हम लोग तो घूमते रहते हैं, और भी जो जरूरत है उसको तो हम करते रहेंगे और आपके यहां भी करेंगे, अब पूरे बिहार में करेंगे। और सबके हित में काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के हम लोग निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और अगर मिल जाएगा तो अभी जो हम कह रहे हैं कि हर आदमी जो हम लोगों ने तय कर दिया है कि जो लोग की आर्थिक स्थिति का भी, तो हम लोगों को जितना अपना पैसा उसके हिसाब से हमको 5 साल लगेगा, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा चीज है, आई कौन चीज काम करते रहते हैं भाई। आजकल दिल्ली में है तो उस राज्यवा में गरीबी नहीं है, अब बाकी जहां जहां गरीबी है उसका कोई ध्यान नहीं देना है। आई सब को तो उसके पार्टी के लोग भी पहले ठीक ठाक थे, अब आजकल सब पर नियंत्रण कर दिया है तो वो लोग को भी बोलते रहना पड़ता है उल्टा पुल्टा, सबको उल्टा पुल्टा बोलते रहना पड़ता है, कोई फायदा नहीं। अब पहले जब मेरे साथ था तो जो हम करते थे सब में सपोर्ट ना करता था जी, कोई इधर उधर करता था, लेकिन आजकल जितना कम्मा हम लोग कर रहे हैं तो उसी में इधर से उधर करता है। तो इसीलिए समझ लीजिए कि जो लोग भी हैं वो चाहते हैं कि वही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। आप प्रचार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।